जय माता दी, जय यंगिस्तान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड, और आज मैं यहां पे आया हूं हिमेश जी के नए गाने मेरे लिए को रिव्यू करने। और हम लोग आपको पता है सच्चा रिव्यू करते हैं, और इस बार इस गाने में मुझे काफ़ी खास बात दिखी है। माने कि मोहम्मद फैज़ वैसे भी चॉकलेटी बुआ हैं, लेकिन उनके साथ इन लोगों ने क्या कर दिया है, मुझे तो हैरत हो रही है। यह सब आपको पता चलेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हम लोग ऑडियो वीडियो को बहुत ही बारीकी से रिव्यू करेंगे। तो आइए हुजूर, चढ़ाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर। दोस्तों, सबसे पहले इस गाने के बारे में बता दूं, इस गाने का नाम है मेरे लिए। ये हिमेश के दिल से एल्बम का 48वां गाना है। इसके सिंगर हैं सुपरस्टार सिंगर के चॉकलेटी बॉय मोहम्मद फैज़, और हिमेश रेशमिया जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर हैं। माने कि ये गाना आज सुबह आया, मैंने इसको सुना, और ये गाना जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाने के बारे में ओवरऑल। जैसे ही शुरू होता है, हिमेश जी की एक बहुत ही अच्छी शायरी से, कम शब्दों में छोटी सी एक लाइन की शायरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे वैसे भी छोटी शायरियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और हिमेश जी का फील भी काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद आएगी मोहम्मद फैज़ की आवाज़, ओ मेरे बंदिया। आप ये आवाज़ सुनिए, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है, माने कि दिल से दिल तक जा रही है। और इनका जो माने कि आप वॉइस है, इनकी टोनल क्वालिटी देखिए, इनकी वॉइस में जो फील है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। पहली लाइन में इन्होंने गाने में जो पकड़ बनाई है, हैड्स ऑफ है। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ इनकी आवाज़ की, तो ओवरऑल सिंगिंग की बात करते हैं। माने कि मोहम्मद फैज़ ने जो गाया है, तू है क्या मेरे लिए, इतनी छोटी सी उम्र में इनकी जो भी वॉइस है, बहुत ही खूबसूरत गा रहे हैं। वैसे भी सुपरस्टार सिंगर में आप देखते हैं ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। दिल से दिल तक आवाज़ जा रही है, और माने कि इनकी जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई है। मेरे लिए इनको बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आई होप आप और आगे जाएं और अच्छा करें। और मोहम्मद फैज़ ने नो डाउट बहुत ही अच्छा गाया है, मुझे बहुत ही प्रभावी इनकी गायकी लगी, और फील भी बहुत ही अच्छा दिया है इस गाने में, क्योंकि फील देना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने वो चीज़ की है। और अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। देखिए, म्यूज़िक इस गाने में जब शुरू होगा, वायलिन पीस बहुत ही खूबसूरत बजाया है, और उसके बाद गिटार, सिंथेसाइज़र, इन सब का यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा है। वायलिन और गिटार तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार मैं सच्चा बताता हूँ, आप लास्ट के दो गाने हिमेश के दिल से एल्बम के देखें, जो लास्ट के आशीष के आए थे, आशीष अरुणिता, और अभी लास्ट वाला आया था अंकुश भारद्वाज का, उन दो गानों का म्यूज़िक देखिए, इस गाने का म्यूज़िक देखिए। हालांकि इसमें थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन दो गानों में जो इंस्ट्रूमेंट साउंड कर रहे थे ना, वो आउटस्टैंडिंग थे। उसमें आप गिटार का टोन सुन लीजिए, जो भी सुन लीजिए, ओवरऑल टोन काफ़ी खूबसूरत निकल के आ रहा था। लेकिन जब मैंने ये गाना आज सुना, तो इसमें मुझे फिर पता नहीं क्यों पुराने दो गानों के पहले वाली झलक लिखी, जैसे होता नहीं कि हिमेश के दिल से एल्बम के गाने सेम सेम सेम, इसमें भी हल्का फुल्का सेम सेम वर्क मुझे लगा, और लग रहा है कि हिमेश के दिल से एल्बम फिर से पुराने ट्रैक पे लौट रहा है। शुरू के लास्ट के दो गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें मुझे मतलब इतना लगा, बट इतना प्रभावी नहीं लगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये फिर से उसी ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लिरिक्स की। देखिए, लिरिक्स इस गाने के काफ़ी अच्छे हैं, दिल से दिल तक जाते हैं, और एक इसमें जो भी गहराइयों हैं, शब्दों की गहराइयां हैं, बहुत अच्छी अच्छे से दर्शाई गई हैं। इसमें एक प्रेमिक प्रेमिका को उसकी वैल्यू बता रहा है कि आप मेरे लिए क्या हो। ओवरऑल इसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे जो एक और चीज़ ये लगी कि इस गाने की लिरिक्स आप कहीं कहीं सुनेंगे, मतलब लगेगा कि मतलब बहुत ही स्मार्टली वो चीज़ की गई है कि ज़बरदस्ती मीटर पे लिरिक्स बिठा ले गए हैं। एक दो जगह मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं दिल से बताता हूँ, मतलब हालांकि आप लोगों को इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन वो चीज़ साफ लग रही, मुझे लगता है उसको और अच्छा किया जा सकता था। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, दूसरे अंतरे में देखिए 3:07 पे मैं एग्जाम्पल, बिगड़ जाए कोई बात, देखिए मीटर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको स्मार्टली बहुत अच्छा सा बिठाया गया है। मेरे हिसाब से वहाँ पे हल्का फुल्का चेंज करके और अच्छा हो सकता था, बाकी ओवरऑल गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मोहम्मद फैज़ के बारे में मैंने एक चीज़ बोली थी, वो बात ये थी यार, वैसे ही मोहम्मद फैज़ को लोग चॉकलेटी बॉय कहते हैं, और माने कि आप देखिए, मतलब उसका मेकअप ऐसा कर दिया ना कि वो लड़का नहीं, एकदम लड़की लग रहे हैं। इनके मेकअप आर्टिस्ट को लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। भैया, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इतना खूबसूरत लड़का है, आपने उसको वैसे भी इतना उल्टा ही मेकअप कर दिया है, वो प्रॉपर लड़की का लुक दे रहा है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इतने मेकअप की ज़रूरत थी। बाकी वीडियो एंगल्स के बारे में क्या बात करूँ, वीडियो वाले भैया तो
कसम खा रखे हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं है, एक दो एंगल सेट है वहीं से वीडियो बना लेते हैं। ओवरऑल गाना मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं मुझे लगा कि पुराने हिमेश जी जैसे, हिमेश के दिल से मैं कंप्लेन करता था दो सॉन्ग पहले की सेम 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 म्यूजिक, इसमें भी कुछ कुछ सेम सेम मुझे लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए सम के साथ पिक किक लगा दिए हैं, शुरू के लास्ट के दो गानों में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें फिर वही चीज़ आपको फ्लेवर निकल के आएगा। तो जो लास्ट के दो सॉन्ग थे उसमें बहुत अच्छा काम था, इसमें ठीक ठाक ही मुझे लगा, क्योंकि हल्का फुल्का सेम सेम है। ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है, जाइए आप लोग इस गाने को देखिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको मोहम्मद फैज़ की गायकी कैसी लगी, और अभी आप कौन कौन से सिंगर्स को देखना चाहते हैं हिमेश के दिल से एल्बम में। और हाँ दोस्तों, मेरा हिमेश टेक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, प्लीज़ उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। जय माता दी, जय किसान, लव यू ऑल।